नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों आज हम बनाएंगे सूजी और मैदा के क्रिस्पी और टेस्टी मजेदार नमक पारे। देखिए कितने टेस्टी और क्रंची बने हैं ये। दोस्तों सफर में भी आप इसको बनाकर ले जा सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, और जब भी आपके घर मेहमान आए तब भी आप इसको एज ए नमकीन के तौर पर आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो जब शाम की चाय में आपको डिफरेंट खाने का मन करे तब भी आप बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए हम आज इसको बनाकर दिखाते हैं। दोस्तों देखिए कि कितने टेस्टी बने हैं, अभी गर्म है, एकदम चट की आवाज आप सुन पा रहे होंगे, बहुत ही टेस्टी और क्रंची बने हैं। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल बाजार जैसे बहुत ही कुरकुरे नमक पारे घर पे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने ली है मैदा, ये मेरी 200 ग्राम मैदा है, और मैंने इसमें 4 चम्मच सूजी के डाले हैं, कच्ची सूजी है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, उसके बाद मैंने 4 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाली है, अजवाइन आप खाना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को डालने के बाद हाथों की हेल्प से इसको मसल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम मुट्ठी को बंद करके देखेंगे तो बैटर हमारा गट्ठी की तरह बंद रहा है, इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने लिया है गुनगुना पानी, गुनगुने पानी से जो हमने सूजी डाली थी वो अच्छे से फूल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको सख्त आटा लगाकर गूंदेंगे, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करके रखना है। और रखने के बाद जब हम फूलने के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनके तैयार होगा। देखिए मैंने ये गूंद लिया है, अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं लगाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, अब हम इसको रख देंगे। रखने से क्या होगा, जो मैदा और सूजी था वो अच्छे से फूल जाएगा। देखिए मैदा अच्छे से फूल गई है, अब हम थोड़ा सा इसको और मसल लेंगे, और मसलने के बाद इसकी हम लोइयां कट करेंगे। देखिए मैदा हमारी अच्छे से फूल गई है, मैंने इसको काउंटर टॉप पे निकाल के रखा है। अब थोड़ा सा हम इसको और मसल लेंगे और इसके दो पार्ट कर लेंगे, लोई बना लेते हैं। और लोई बनाने के बाद आप चाहे तो इसमें, ये मैंने सूखा आटा निकाला है, चाहे तो इसमें परोथन लगा सकते हैं, या फिर आप इसको नीचे तेल लगा के उसकी हेल्प से बेल सकते हैं। तो मैं हल्का सा इसमें परोथन लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, और बिलन की हेल्प से इसको हम बड़ा सा बेल लेंगे। देखिए मैंने चारों तरफ बेलन को घुमा घुमा के इसको बिना उठाए मैंने इतना बड़ा गोल कर लिया है, और ये जितना हो सके आप पतला बेलें, उससे क्या होगा हमारे नमक पारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे जब भी आप शाम की चाय पीते हैं। देखिए ये मैंने चक्कू लिया है, आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसको कट करेंगे, बिल्कुल सावधानी से करना है और बहुत ही इजी तरीका है ये। उसके बाद हम इसको इस तरह से करेंगे, ये देखिए मैंने कट लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से उठा लेते हैं, चक्कू की हेल्प से उठाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी आसान तरीके से उठ के आ जाते हैं, नहीं तो आप इस तरह से इनको इकट्ठा करके भी। और अब चलते हैं इसको सेकने के लिए, तेल गरम हो गया है और तेल में मैं इनको बिल्कुल सावधानी से डाल दूंगी। देखिए नमक पारे डालने के बाद इनको बराबर कलछी से इस तरह हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ अच्छे से सिक जाएं और बहुत ही क्रिस्पी बने। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें, और देखिए ये सिक गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के सभी नमक पारे इसी तरह से सेक के तैयार करती हूँ। देखिए डालने के बाद इनको चम्मच से अच्छी तरह चारों तरफ इसको हिलाते रहें ताकि चारों तरफ अच्छे से सिक कर क्रिस्पी हो जाए, और गैस का फ्लेम हमने लो मीडियम कर रखा है उसे होगा।
देखिए नमक पारे हमारे कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन सिके हैं, और अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के सभी सेक के तैयार करती हूँ। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो एक बार जरूर ट्राई करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा वॉच करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक आप चाय के साथ जल्दी से बनाकर आप इसको ट्राई करिए।